अगर एक प्रोजेक्ट बेहतर आता है और अगर नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर माजरत के साथ हम जैसे गलत और खराब लोग भी तो हमें है ना, तो उसकी वजह से वो चीज गलत नहीं होती। आप इसलाह अपनी करते हैं, उसको हमने स्विच ओवर किया है, उसको हमने वो जो तंदूर है मैकेनिकल उनमें कन्वर्ट कर दिया है ताकि एक तरीके कार से आटे की एक मकदार जाए और उसमें खराबी ना हो। ठीक इफ्तिखार साहब, आप कुछ कह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ बीबी, मैकेनिकल तंदूर हो या जुल्फकार अली भुट्टो की सस्ती रोटी, इशू ये नहीं है। यहाँ पे बिजली की बात हुई, अब किस पार्टी ने अपने मंशूर में लिखा हुआ है कि वो बिजली कैसे बनाएगी? मैंने जो 2008 के इंतखाबात देखे, मुझे तो किसी ने नहीं बताया अपने मंशूरों में कि वो बिजली कहाँ से लाएंगे। बिजली पानी से बनाएंगे, शमसी तवानाई से हासिल करेंगे, हवा से हासिल करेंगे, गैस से लाएंगे, कोयले से लाएंगे, शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, ऐसी कोई बात इनके मंशूरों में इनका कोई वादा नहीं है। असर प्लीज, मैं आपको मसख ना करें, आप हमारे बड़े हैं, मैं किसी का फकीर लेकिन फेडरल गवर्नमेंट है, हम उनके मुखालिफ हैं। थर कोल पे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कोल से नहीं कर रहे, आप पंजाब का नहीं, पंजाब का बजट पढ़ लें आप, शमसी तवानाई से ट्यूबवेल हम लगवा रहे हैं, कौनसा बराज पे 120 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट कर देखें, पहली बात ये ख्वाजा साहब मैंने आपको कुछ नहीं कहा और ना ही आप मेरे लिए कुछ जेरे बैस चीज है, मैं बात कर रहा हूँ इनसे और मैं बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं सर, 120 मेगावाट से पंजाब नहीं कर सकते, 120 मेगावाट जब पैदा होंगे ना तो उसके पंजाब को 8000 मेगावाट की जरूरत होगी। तो सर कोशिश तो कर रहे हैं ना, प्लीज देखिए आप बिला वजह इस मामले में आ रहे हैं। ठीक, असल इशू ये है जी कि जब तक हुक्मरान तबकात सियासी जमातें काम नहीं करेंगी, तैयारी नहीं करेंगी, पीने का पानी देने की बात हो रही है, इस शहर के अंदर पीने का पानी 150 फुट नीचे चला गया है, यहां पे पीने का पानी 200 फुट नीचे तक जा रहा है, वो हुकूमती हमें चाहिए जो हमें बताएं कि अगले 5 साल में ये जो पानी कम हो रहा है इसको कैसे ज्यादा करना है। मुझे वो हुकूमत चाहिए, मुझे वो हुकूमत चाहिए जो मुझे बताए, एक मिनट जी आसमा, ये बात अगर आपने मुझे बुलाया तो फिर लेट मी स्पीक, जी जी प्लीज, मैं बात करूंगा प्लीज, फिर उसके बाद ब्रेक हम जी। अवाम को वो हुकूमत चाहिए जिसको पता हो कि लाहौर शहर की 1 करोड़ आबादी को आज से 10 साल के बाद कितनी डिस्पेंसरियां चाहिए, उसमें कितने बेड चाहिए। हमें वो हुकूमतें चाहिए जिनके पास इसका जवाब हो अपने मंशूरों में और लोग फिर उनको अलग करें। बहुत बेहतर, बहुत बहुत ये कंस्ट्रक्टिव बातें हो रही हैं, या जितना इख्तलाफ राय मिल रहा है ये इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अवाम को है, इसका मतलब है कि सब लोग अवाम के साथ मुंसलिक है, उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और क्या ये मुमकिन है या नामुमकिन है करना, क्या पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाया जा सकता है, इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है या नहीं, एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, शहर लाहौर में जिंदा दिलाने लाहौर हमारे साथ है, रेलवे स्टेशन लाहौर के बाहर हम मौजूद हैं, अवाम की बात हो रही है, अवाम के मसलों की बात हो रही है और मैं ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि पाकिस्तान के अवाम के मसले 63 साल से जो थे वो आज भी हैं, कब तक रहेंगे, क्या अगले 63 साल तक रहेंगे या उससे भी ज्यादा। इम्तियाज साहब आपसे बात शुरू करते हैं लेकिन मैं अपने भाइयों से बात कर लूँ, ये शुरू कीजिएगा इधर से जी। जी मेरा नाम मकसूद अली, जीसीटी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। अभी सर ने ये बात की रमजान बजट के बारे में, रमजान के महीने में जो चीजों की महंगाई है वो गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता, ठीक है, आटा इतना महंगा हो जाए, दालें इतनी महंगी हो जाती हैं क्योंकि वो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब जो बजट आता है ये जगीरदारों के लिए आता है, ठीक है, ये क्योंकि मजदूर को 4000 3000 4000 रुपए देकर उनको तड़खा दिया जाता है क्योंकि वो आपकी गुलामी करते रहे सारी उम्र। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है अमरीकी गुलामी, शिद्दत पसंदी, जगीरदारी, फौजी बजट और जहालत है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। ओके जी, बहुत बेहतर, अच्छा चले ठीक है, यहाँ पे मैं चाचा जी से बात करूंगी इसके बाद। जी जी जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी मेरे मोहतरम ने ये फरमाया था कि आप जो भी मेम्बर चुने वो देखभाल के चुने, आप लोगों के चेहरे तब्दील हो जाते हैं, आप लोग बैक में कुछ और होते हैं, फ्रंट पे कुछ और होते हैं। मेरी 70 साल की मेरी सत्तर साल की उम्र है, 61 के अंदर 14 आने किलो चीनी थी, रेडियो पे 1 रुपए 2 आने बिकती थी, बाहर से नहीं आती थी, पाकिस्तान की पैदावार थी,
वो क्यों थी। अब परसों मैं चला हूं मुल्तान से, आई बिलोंग टू फ्रॉम द मुल्तान, अंजर नहीं था, शाह शम्मस एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, अंजर आएगा तो लगेगा, 3:30 बजे का टाइम, 7:30 बजे चली है वो वहां से, रात को यहां पर 2:30 बजे पहुंचे, पूछे रेलवे स्टेशन वालों से, वो मुल्तान के शेड के अंदर जो 8-8 अंजन होते थे वो कहां गए हैं। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अच्छा अच्छा, मैं इम्तियाज साहब आपसे फिर इस पे, ये जो इदारों के, ये रेलवे के तबाह होने की बात कर रहे हैं, इदारों की बर्बादी, सिर्फ एक रेलवे की बात कर रहे हैं, हम पीआईए की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टील की बात कर रहे हैं, सारे इदारे करप्शन की वजह से खत्म हो गए, जो था वो भी नहीं रहा, कब तक मिसमैनेजमेंट चलती रहेगी। जी देखिए, कोई 350 अरब रुपए का नुकसान रेलवे, पीआईए, स्टील मिल और ये सरकारी अदारे कर रहे हैं। मैं वापडा इसलिए कर रहे हैं कि जो हुकूमत जब चलाती है इदारों को सही, तो वो करप्शन होती है, उसमें एफिशिएंसी नहीं होती। तो मैं कहूंगा कि इन सब को रिस्ट्रक्चर किया जाए, इनके जो नुकसान जिन एरियाज में हो रहे हैं सब कौन करेगा, ये हमारे जल रहे नेहरू उसका आसान चैन की बाउंसरी बजा रहे हैं। इसके लिए कोई आपको कोई बड़ी 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 साइंस की जरूरत नहीं है, दुनिया भर में हुआ है, दुनिया भर में हुआ है। आप अच्छे टेक्नोक्रेट्स ले, उन्हें मैंडेट दे और वो इसकी उन्हें टाइम लाइन दे कि वो इस अरसे में इन लोगों को, इन इदारों को टर्न अराउंड करेंगे। जो नहीं होते वो आप प्राइवेटाइज कर दें, उसमें पैसे हासिल हो वो आवाम की फलाह पे खर्च किए जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये जो तसव्वुर है हमारे साझेदारों का कि खैरात लोगों को दे दो, कौम को भिखारी बना दो, ये बिल्कुल गलत है, आप इस राह पे मत चले। अगर असल मामला ये है कि लोगों को तालीम दे, तरबियत दे, अच्छी सेहत दे, ऐसा कब मुमकिन हो, ताकि वो, इसके लिए बिल्कुल मुमकिन है, हमारे पास जराए हैं, हम जराए मजीद पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में 7 लाख अमीर लोग टैक्स नहीं देते, उनसे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता। फिर ये जो हम कर रहे हैं कि हम बेशक चला रहे हैं फकत कर्ज पे और हम अपनी ऐसे इदारों पे खर्च कर रहे हैं या एरियाज में खर्च कर रहे हैं जिसका आवाम को या मीशत को फायदा नहीं है। हमारी तवज्जो हुकूमतों की मीशत पर होनी चाहिए, रोजगार पैदा करने पर होनी चाहिए। ठीक बात है, मैंने तो बात से बात की थी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें और मजदूरी दी जाए, अगर आप नहीं देंगे तो लोग कैसे गुजारा करेंगे। लेकिन हुकूमत तो ये कहती है कि हमारे पास तो कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं है, जादू की छड़ी तो नहीं है। मैं सारे जिम्मेदारों को टैक्स लगाऊंगा, 7 लाख लोगों को मैं टैक्स लूंगा और जहां पे जरूरी नहीं है खर्चा कम करूंगा। पहले नंबर पे आवाम होने चाहिए कि उन्हें तालीम मिले, सेहत मिले, तरबियत मिले, कैसे नहीं हो सकता, हो सकता है। खुदा करे कि ऐसा हो, खुदा करे। जी मैं पूछता हूँ कि चीफ मिनिस्टर सिंध से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा से, चीफ मिनिस्टर सिंध से, ये सारी पार्टियों की हुकूमतें हैं इस वक्त सूबे में, कि भाई आप लगाए जिम्मेदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते, आप क्यों नहीं लगाते वैसे? इसलिए कि बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हुए वहां पे असेंबलियों में, वो नहीं लगा रहे थे टैक्स। अगले इंतखाबात से आम जिम्मेदारों को मत आने दे, तो वो जब आम मिडिल क्लास के लोग आएंगे, गरीब लोग आएंगे, तो वो अपने आप ही जिम्मेदारों पर टैक्स लगाएंगे। ये नामुमकिन नहीं है, पाकिस्तान का मौशी बहरान हल होना मुमकिन है। जी जी मेरे भाई, कैसे मुमकिन है कि जिस मुल्क का वजीर आजम एक साल में 365 लिबास बदलता हो, रोजाना सूट बदलता हो, टाइज बदलता हो, लोग रायविंद के महलों में रहते हो और गरीबों की बात करें, पॉलिसियां बदल सकती हैं, तालीम, सेहत और सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये तब मुमकिन है जब इस तफुन ज्यादा निज़ाम को बदला जाए सबसे पहले, और फिर इस ये जो बदबूदार सियासी वडेरे हैं इनको बदला जाए। नहीं, ये तो वडेरे नहीं है, आप निजाम की बात, सियासी वडेरे, सियासी वडेरों की बात, सियासी वडेरे, इन्हें बदला नहीं जाएगा। ठीक, निजाम तब्दील नहीं होगा, ना पॉलिसी बेहतर हो सकती है, ना सेहत आएगी, ना तालीम आएगी, ना कोई बेहतर सियासी कल्चर परवान चढ़ेगा। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। अच्छा, यहाँ मेरे भाई आप आम आदमी हैं, क्या कहेंगे आप अपने मसाइल के बारे में? मैम, एक चोर चला जाता है, दूसरा डाकू आ जाता है, अवाम को इसका क्या फायदा, हमें कोई, मैं 700 रुपए कमाता हूँ, 700 रुपए मेरा, 721,000 रुपए में मेरा घर नहीं चलता, घर भाई के रहता हूँ, फिर मेरा खर्चा पूरा नहीं होता, ये 7,000 में, 5,000 में कैसे मजदूर काम चलेगा? इनके यहाँ मजदूर है, उनको कितनी मजदूरी देते हैं, ये जो कह रहे हैं कि अवाम को इतनी तनख्वाहें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इनसे पूछे कि जो इनके मुलाजिम है वो कितनी तनख्वाहें देते हैं उनको, ये सिर्फ बातें हैं, जुबानी बातें हैं।
इम्तियाज साहब आपके मुलाजमों की बात कर रहे हैं, कितनी तनख्वाहें देते हैं? मैं खुद अच्छा मैं तनख्वाहदार हूँ, मैं कुछ सरकार नहीं हूँ, मैं साफी हूँ, कमाता हूँ। अच्छा यार कुछ और लोगों से बात, तुम्हारी तरह का मजदूर हूँ। छोड़े सिर्फ मेन जो चीज है उस पर कंट्रोल किया, एक बात हमें कोई डिस्पेंसरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये महंगाई खत्म होनी चाहिए। महंगाई तो खत्म हो सकती है। एक बात मेरी सुने जी, मैं इनके गुस्से के जवाब में कहना चाहता हूँ, हम बड़ी बेचैन बड़ी बेसब्र कौम है। पहले हम सियासी हुकूमत को सुने पहले हम हुकूमत जमहूरी हुकूमत जो मुंतखब करते हैं उसे गिराते हैं कि मार्शल ला की दुआएं करते हैं, फिर हम मार्शल लाओ के खिलाफ लड़ते हैं और मार्शल लाओ को बददुआएं देते हैं, मार्शल ला चला जाता है, फिर सियासी हुकूमत लाते हैं, हम वोट दे के लाते हैं बाहर से कहीं। सही बात है। अच्छा, अच्छा, अच्छा चले एक सेकंड, अच्छा चले ये हम ना करें। पांच सवाल तो आप उठा रहे हैं जी, जी छठा सवाल मैं उठाता हूँ। एक सेकंड जी, ये छठा सवाल उठा रहे हैं, ये जो हम सब कुछ बिलबला रहे हैं यहाँ अवाम भी ये हुक्मरान तबका भी, तो ये जो हमारा हुक्मरानों के दरमियान जो फासला है, हमारी आवाज़ ये यहाँ तक वहाँ तक पहुँचती है? हम टीवी पे देखते हैं, एंकर सब प्रोग्राम होते हैं, वहाँ तक ये है कि कोई बम धमाका होता है तो हुक्मरानों की जो मजम्मत आती है, मैं जाती तौर पे ख्याल करता हूँ कि वजीर आजम साहब या सदर साहब वो खुद मजम्मत नहीं करते, उनके सेक्रेटरी होते हैं वो मजम्मत का मजम्मती बयान दे देते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि बम धमाका हो गया, वहाँ लोग शहीद हो गए, मर गए, हमें तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं हुआ, वो वहाँ तक है। उसके बाद हम ये 2000 रुपये सब्सिडी की बात कर रहे हैं, आटा सस्ते की बात कर रहे हैं, रमजान शरीफ में महंगाई की बात हो रही है, हम आम हालात में समझते हैं कि महंगाई होती है, मैं कहता हूं हमें ना दें सब्सिडी, हमें नहीं चाहिए, हम भिखारी नहीं है। ये देखें पेट्रोल 35 रुपए या 40 रुपए इन्हें पड़ रहा है, हमें 90 रुपए दे रहे हैं, ये लूट मार है। मिल रहे हैं पेट्रोल आपको? नहीं मिल भी नहीं रहा, और अब तो 150 रुपए मिल रहा है, मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ, रेगुलर में हमें 35 रुपए ये खरीदते हैं, 100 रुपए हमें देते हैं। ये वैलिड सवाल है, ये सलमान रफीक साहब ये सवाल आवाम जरूर पूछते हैं, साहिदा साहिबा ये दोनों आप दो का सवाल है क्योंकि आप लोग पॉलिसी बनाते हैं। मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जिन कंपनियों ये आम आदमी को पता है कि 35 रुपए पंजाब में जिन्होंने पेट्रोल गायब किया है उनके लाइसेंस फौरी तौर पे कैंसिल कर देने चाहिए, और आवाम को इतनी दुश्वारी हो रही है कि पेट्रोल एक आलमी सतह पे सस्ता हुआ है और यहाँ पाकिस्तान के लोगों को दुगनी कीमत पे दे रहे हैं। और मैं फिर कहूंगी कि मिडल मैन को रोकने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए, जो ब्रोकर है वो आवाम को परेशान करता है, इसको कानून की शक्ल देनी चाहिए। हम वैसे बजट में कह देते हैं, बजट तो बाबुओं की जबान बोलता है, ब्यूरोक्रेट्स की जबान बोलता है, अगर इसको आम आदमी की नजर से देखा जाए तो मेरे ख्याल भी इन्हीं जैसे है, और मैं ये कहूंगी कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए और आवाम के हम नुमाइंदे हमने इन्हीं के पास ठीक है। लेकिन ये इफ्तिखार साहब ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है, जैसे 7.5 लाख लोगों को टैक्स में लाना ये नामुमकिन नहीं है, ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं हुआ अब तक? आसमा जिस मुल्क में दुकानदार अपने आप को डॉक्यूमेंटेशन में लाने को तैयार ना हो और उसको कहा जाए कि ये फार्म भर के दे दे, वो कहे जी मैं ये फार्म नहीं भरता, मैं शटर गिरा रहा हूं और सारे खानदान के साथ मरी जा रहा हूं, ये कौम का इशू है, ये हम अपने अंदर गिरबान के अंदर भी तो झांके ना, हम खुद सारे क्या कर रहे हैं। इस शहर के अंदर 1 करोड़ आदमी है, इस शहर के अंदर ऐसी दुकानें हैं जिनकी रोजाना की आमद बिक्री जो है करोड़ों रुपए की है, वो टैक्स नहीं देने को तैयार। अगर आप टैक्स मांगोगे वो शटर नीचे गिराते हैं, शटर की पावर का इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं हम जा रहे हैं, हम टैक्स नहीं देते। और मेरी बात सुनो, हम लोगों को ये अभी एक दोस्त ने कहा एक चोर आया एक कुत्ता चला गया, चोर को भी इसने वोट दिया होगा, कुत्ते को भी इसने वोट दिया होगा। सवाल है हम अपने रवैयों को, हम अपने कह रहे 2600 तनख्वाह 2720। ओ भाई मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही है टैक्स की। आप भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के वोट देते हैं, मैं पैदल चल के आऊंगी, मुझे वोट देंगे तो मैं देखूंगी आपका बिल कैसे कम। आप भी लैंड क्रूजर को वोट देते हैं, पजारों को दे के वोट ना दे, आप अपनी सोच बदले। और इतना बड़ा सूबा पंजाब 9 करोड़ आवाम का सूबा कंगाल सूबा हो गया। नहीं ये जो बातें इम्तियाज साहब और इफ्तिखार साहब ने की हैं ये बिल्कुल ठीक बातें हैं सलमान साहब जी। मैं भी पैदल आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं।